नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में हैं, जहां अब से कुछ देर पहले लव कुश रथ यात्रा की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर की है। हम आपको बता दें कि ये लव कुश यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों में जाएगी। बिहार के कोने कोने में जाकर जनता को आमंत्रित करने का काम करेगी और इस लव कुश यात्रा के साथ बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार शामिल होंगे, हमेशा मौजूद रहेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप रथ लेकर जा रहे हैं, तो क्या संदेश है बिहार की जनता के लिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में आज राजधानी पटना से लव कुश यात्रा प्रारंभ हुई। जाकर के यात्रा बिहार के गाँव-गाँव में जाएगी, शहरों में जाएगी, लोग आमंत्रित करेगी जाकर के कि चलें अयोध्या जाकर के, और एक माहौल का निर्माण जो बन रहा जाकर के है, मतलब 22 आते आते पूरा बिहार और देश राममय हो जाएगा जाकर। और 22 के बाद नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में इस देश में रामराज की शुरुआत होगी जाकर। जो काम 500 वर्षों में नहीं हुआ था, सनातन धर्म के लोग 500 वर्षों संघर्ष कर रहे थे मंदिर बनाने को लेकर, लेकिन अंग्रेज का शासन था, हम गुलामी के जंजीर में थे। 300 वर्षों तक मुगल साम्राज्य था, 200 वर्षों तक अंग्रेज थे जाकर। और जब आज़ादी मिली हमें, आज़ादी के बाद जो सरकार रही 55 वर्ष तक, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार, उनको मौका था, वो कोर्ट के सामने बातों को रख नहीं पाए। लेकिन माननीय मोदी जी के पहल पर और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का है, उनके द्वारा साक्ष को रखा गया हूँ, जिसको न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर। और हम कानून में विश्वास रखते थे, हम कानून का इंतजार देख रहे थे जाकर कि कानून फैसला देगा तो उसके आधार पर। लेकिन हमारे तरफ से जो प्रयास था कि जो प्रमाण हमारे पास जो थे, हमने प्रस्तुत करने का काम किया। और मुझे खुशी है उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में पक्ष में देने का काम किया, मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ जाकर के। और हम लोगों ने ऐलान किया है, अभी तो एक अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो आगे पूरा देश राममय होगा। माननीय मोदी जी के अगुवाई में फिर से देश में रामराज की शुरुआत होगी। जी जी जी। लेकिन सर, आपके जो विरोधी लोग हैं, आरजेडी जेडीयू के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये लव कुश की रथ यात्रा नहीं है, ये ध्रुवीकरण वाली रथ यात्रा है। ये तो पूरा दुनिया देख रही है और सबको अधिकार है, विपक्ष को भी चाहिए कि भगवान राम का जो कार्यक्रम हो रहा है, अयोध्या में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उनको भी आगे आना चाहिए जाकर। उनके हिंदू धर्म अवैध विश्वास यदि है, नहीं है तो राजनीति की बात है ही नहीं जाकर। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के लोग अधिक से अधिक जाएँ, ये हम संदेश देने जा रहे हैं जाकर के इस यात्रा रथ के माध्यम से। यात्रा कोई वोट की राजनीति नहीं जाकर के, इस रथ यात्रा के माध्यम से लोग कुछ यात्रा जो हो रहा है, इसके माध्यम से लोग को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, चलने के लिए आह्वान करने जा रहे, अपील करने जा रहे हैं जाकर के हैं, तो इसमें कोई राजनीति नहीं जाकर के। मैं तो कहता विपक्ष के लोगों को, उनको भी चाहिए आगे बढ़ करके भाग लेना चाहिए, तो अच्छी बात है, सौभाग्य हम लोग का है। जो काम 500 वर्षों में नहीं हुआ, हमारे उच्चतम न्यायालय के आदेश पर और माननीय मोदी जी के पहल पर ये जो प्रयास हुआ जाकर के है, ये तो 22 तारीख का जो दिन होगा दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, भारत के लिए जाकर के 100 देशों से लोग आ रहे हैं। जी जी जी। 100 देशों से 100 हवाई जहाज वहाँ आएगा जाकर, एक बार में लैंड करेगा 30-35 प्लेन जाकर। अब पूरी दुनिया के लोग क्यों आ रहे हैं जाकर? आस्था है, विश्वास जाकर के है। तो मैं विपक्ष के भाइयों से कहना चाहूँगा, आप भी आइए, शामिल होइए जाकर के। राजनीति जगह पर है तो जनता समय पर तय करेगी जाकर के, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो हम लोग वायदे किए थे जनता से, हम वायदे पर हमारी सरकार माननीय मोदी जी खरा उतरने का काम कर रहे हैं। जी जी जी। सर, क्या लगता है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक ही है, कुछ ही महीने रह गए हैं, बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा इस रथ यात्रा? देखिए, अब जनता को निर्णय करना जाकर के। हम यह जो कार्यक्रम जो अयोध्या का जो है, वो लाभ फायदे के लिए नहीं है, ये हमारा आस्था का सवाल जाकर के। हमारा आस्था है देशवासियों का, देशवासी चाहते थे मंदिर का निर्माण हो। ये संघर्ष हम लंबे समय से कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में गोलियां भी चली जाकर के, हम लोग गए थे बड़ी संख्या में, अनेक कारसेवक मारे गए जाकर के। राम भक्तों का लगातार मैं देख रहा हूँ कि 90 से मैं देख रहा हूँ, जोड़ लीजिए 90 से 34 वर्षों से मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से, मैं स्वयं गया था जाकर, और ये संघर्ष लगातार चल रहा था। हम समय का इंतजार देख रहे थे और न्यायालय के फैसले का इंतजार देख रहे थे, न्यायालय पक्ष में फैसला दिया जाकर के, तो
हम लोग जाने का काम कर रहे हैं जाकर के, कोई इसमें ना राजनीति है ना कोई पॉलिटिक्स है ना कोई चुनाव से मतलब जाकर के है, ये कोई आज का नहीं विषय जाकर के। हाँ, आज रास्ता बनाते यदि हम, वो न्यायालय का आदेश आया और तब देशवासियों के सहयोग से माननीय मोदी जी का अगुवाई में ये मंदिर बन रहा जाकर के है। तो घबराना लोगों को नहीं चाहिए, हम सलाह देंगे विपक्ष के लोगों को, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी जी जी, वही कह रहा हूँ सर कि आपको लगता है ऐसा कि बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा जिस तरह से तमाम संघर्ष के बाद फाइनली 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी का मंदिर बन के तैयार हो रहा है, चुनाव भी नज़दीक है, तो आपको लगता है कि इसका जनता जो है देख रही है और इसका फ़ायदा मिलेगा? हम कोई फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी आस्था है भगवान के प्रति जाकर के, हम चाहते थे बने जाकर के, तो कोई इसमें फ़ायदा घाटे का सवाल नहीं जाकर के है, या आस्था का सवाल जाकर के। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे बीजेपी नेता प्रेम कुमार, जिनका कहना था कि लवकुश रथ यात्रा वोट की राजनीति नहीं है, इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ये आस्था का सवाल है और बीजेपी प्रभु श्री राम की सेवा सालों से करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और लवकुश रथ यात्रा का मकसद बिहार की जनता को इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। योगेश चक्रवर्ती, RAD News, पटना।